रूस यूक्रेन के बीच जंग को कई दिन बीत चुके हैं। दोनों तरफ से हमले अभी भी जारी है और इसी बीच यूक्रेन की दोनेस्क में बड़ा धमाका हुआ है। दोनेत्स का इंडस्ट्रियल एरिया भयंकर धमाके की गूंज से धहल उठा। इस धमाके की वजह से दोनेत्स के ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। वायरल हो रहे वीडियो में आग की लपटें दूर तक देखी जा सकती हैं। दरअसल दोनेत्स वो क्षेत्र है जो रूस के कब्जे में माना जाता है, लेकिन दोनेत्स के सीमा का इलाका यूक्रेन के अधिकार क्षेत्र में है। रूस समर्थित अधिकारियों की माने तो यह हमला यूक्रेन ने किया है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो वहीं देखिए, हमास इसराइल जंग के बीच इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा के खान यूनस में कार्रवाई की है और इस कार्रवाई का वीडियो भी जारी किया है। देखिए, गाजा पट्टी में इजरायली सेना के हमास पर हमले जारी हैं। इजरायली सैनिकों ने गाजा के दूसरे सबसे बड़े शहर खान यूनिस को घेर लिया है और वहां हमास के ठिकानों पर छापेमारी की। IDF ने इस कार्रवाई का वीडियो जारी किया है जिसमें खान यूनिस शहर में 98th डिवीजन की सेना हमास पर कार्रवाई करती दिखी। 7 अक्टूबर से हमास और इसराइल के बीच जंग में गाजा में 16,200 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इसराइल के भी 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के UAE दौरे के दौरान SU-35 लड़ाकू जेट्स ने पुतिन के विमान को एस्कॉर्ट किया। 30 सेकंड में देखिए पूरी खबर। ये तस्वीरें रूस के SU-35 लड़ाकू जेट विमानों की हैं, जिन्हें रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, जिसमें रूसी SU-35 लड़ाकू जेट हवाई क्षेत्र से उड़ान भरते दिखे और संयुक्त अरब अमीरात दौरे पर हवाई रास्ते में व्लादिमीर पुतिन के विमान एस्कॉर्ट करते नजर आए। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन UAE और सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं, जहां वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ तेल, ओपेक प्लस, इजराइल हमास और यूक्रेन समेत कई मुद्दों पर बात करेंगे। पाकिस्तान के कराची में एक शॉपिंग मॉल में भीषण आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। पाकिस्तान के शहर कराची में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां आयशा मंजिल के पास अर्शी शॉपिंग मॉल भीषण आग की चपेट में आ गया। यह हादसा इतना खौफनाक था कि 3 लोगों की झुलसकर मौत हो गई और एक शख्स बुरी तरह जख्मी हुआ है। कराची के मेयर के मुताबिक सबसे पहले फर्नीचर स्टोर में आग लगी थी, इसके बाद आसपास की दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सोशल मीडिया पर इस हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आसमान में काला धुआं उठता नजर आ रहा है। प्रयागराज में सड़क पर चलती एक कार में अचानक आग लग गई, इसके बाद आसपास हड़कंप मच गया। देखिए तस्वीरें। ये तस्वीरें यूपी के प्रयागराज की हैं, जहां हाईकोर्ट फ्लाईओवर पर चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। अचानक आग लगने के बाद आग की लपटें फैलती चली गईं और आसमान में धुएं का गुबार उठने लगा। बीच सड़क कार में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई और फ्लाईओवर पर काफी देर तक यातायात बाधित रहा। कार में सवार लोगों ने जल्दी कार से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। बात कर लेते हैं अयोध्या की, जहां राम मंदिर निर्माण का कार्य जोरों पर है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले नई तस्वीरें सामने आई है। वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भगवान राम अगले साल 22 जनवरी को नए मंदिर में प्रवेश करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए गर्भगृह पूरी तरह तैयार है। इसी बीच राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें सामने आई हैं। राम मंदिर के मुख्य द्वार पर बैरिंग हटाकर गेट लगाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 मूर्तिकार भगवान राम की मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं, जो 15 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा और 51 इंच के रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, अरुण गोविल समेत कई बड़ी हस्तियों को न्योता भेजा गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार भी सुर्खियों में रहने की वजह से कैंपस के अंदर हुई गोलीबारी। 30 सेकंड में देखिए पूरी खबर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में फायरिंग के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि AMU कैंपस में लाइब्रेरी कैंटीन के पास 2 पक्षों में किसी विवाद को लेकर फायरिंग शुरू हो गई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग के दौरान कैंटीन में चाय पीने आई MBBS की छात्रा के पैर में गोली लग गई,
जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घायल छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में लिया है और बाकी की तलाश जारी है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव गोगामेड़ी में किया जाएगा। पुलिस प्रशासन और राजपूत समाज के बीच सहमति बनने के बाद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के शव को जयपुर के SMS अस्पताल ले जाया गया और उनके शव का पोस्टमार्टम किया गया। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का आज उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के परिजनों की मांग पर कार्रवाई करते हुए श्याम नगर के थाना अधिकारी और बीट कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। अमेरिका में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। 30 सेकंड में देखिए ये पूरी खबर। अमेरिका के कई इलाकों में कुदरत ने ऐसा कोहराम मचाया कि कई लोगों की जान आफत में पड़ गई। पानी के प्रहार की ये तस्वीरें अमेरिका के वॉशिंगटन की हैं, जहां भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में सब कुछ डूब गया। स्टिलगुआमिश नदी में उफान के बाद बाढ़ का पानी वॉशिंगटन और आर्लिंगटन के कई इलाकों में घुस गया। सड़कें पानी से लबालब दिखी। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया। घर में पानी भरने से लोग खुले आसमान में रहने को मजबूर हो गए हैं।